بسم الله الرحمن الرحيم خدا اتنے بھی تھے میں کامیابی بھی کامیابی بھی کامیابی بھی کلکن گل انسان میں آئین گل انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم Success doesn't come without hurdles, as the road of success is filled with hurdles. Once one can be determined, it is like a life and have to achieve his goal. Myself, Saqib Mushtaq from Batting Anantnag. And I achieved marks of 479 in class 10th. It was my success that gave me that gave me 479 marks, and I appreciate all the students that passed in this exam, and those ones who failed doesn't lose hope, and much more they have to try again and again until they succeed. मैं बटिंगू का एक तालिब इल्म हूँ जो कि क्लास 10th में पढ़ रहा था, और 479 मैंने मार्क्स अचीव किए हैं, और ये मेरी मेहनत थी जिसने मुझे वहाँ तक पहुँचाया. मुझे अपना कॉन्फिडेंस था जिसने मुझे 479 मार्क्स दिलाए. मैं इससे अच्छा भी कर सकता था, लेकिन जितने मैंने एफर्ट लगाए तो आई वॉज दैट डिज़र्विंग दैट मार्क्स. और मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ जो कि बच्चे आज फेल हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ वो अपनी उम्मीद को ना खोए, बल्कि अपनी उम्मीद बनाए रखे और इस उम्मीद के सहारे आगे चलते रहे अंटिल दे विल गेट सक्सीड. एंड आई अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स दैट हैव सक्सीड इन दिस एग्जाम, एंड थैंक यू माय स्कूल टीचर्स, माय ट्यूशन टीचर्स, एस्पेशली इरफान सर, एंड माय स्कूल दैट वाज अ विलेज स्कूल, लोकलाइज्ड स्कूल, ओरिएंटल साइंस इंस्टीट्यूट, दैट ब्रॉट मी हेयर एंड आई अचीव्ड द मार्क्स ऑफ 479. दिस वॉज ग्रेट सक्सेस फॉर मी. एम मेरा एम है कि मैं 12th के बाद NDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई करूं और एक अच्छी रैंक पाऊं और अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाऊं और अपने खासकर अपने गांव के लिए कुछ कर पाऊं. मज़ीद आगे तो ये तो 10th था, ये चलता रहेगा, कैसे किया कैसे नहीं किया तो मार्क्स तो ले आए, लेकिन अब 11th और 12th आगे देखना है क्या करना है हमें. और इस 11th और 12th में हमें डट कर रहना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है और हार्ड वर्किंग करनी है. जब हम हार्ड वर्किंग करेंगे तो ही हम आगे 12th में कुछ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हमें, ऑल अराउंड इंडिया कंपटीशन है. अगर हम 11th 12th हार्ड वर्क करेंगे तो ही जाके हम कल 12th में कोई सा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं ईजीली. ये कुछ बोलते हैं नीट ये है वो है, JEE ये है वो है, लेकिन कुछ नहीं है. जो हार्ड वर्क करेगा उसके लिए कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं है. I say all about it and कोई खास मैसेज मैं कहना चाहता हूँ यही बच्चों को कि हार्ड वर्क करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, इन बुरे कामों में ना लगे, अच्छे अच्छे काम करें और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और यही ऐसे ही पढ़ते रहें, डट कर रहें और आगे एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई करते रहें.